हेलो गाइस, आपको सबसे पहले एम्स वर्ल्ड पे जाके सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करना है। चैनल सब्सक्राइब होने के बाद आपको बेल बटन पे प्रेस करना है ताकि मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल। हेलो गाइस, मैं हूँ अमृता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम्स वर्ल्ड पे। जैसे कि आपने टाइटल देखा ही है कि आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के बारे में, जैसे मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ या नहीं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्यों मुझे कोरोना के टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी थी, क्या मुझे कुछ सिम्टम्स थे, क्या मैंने गवर्नमेंट ने दी हुई गाइडलाइंस फॉलो नहीं की थी। तो इन सारे सवालों के जवाब अब हम ढूंढते हैं। एक्चुअली मैं अपने एक फ्रेंड के घर गई थी, ऐसा कुछ प्लान नहीं था और हमारे वहाँ पे कुछ दूसरे फ्रेंड्स भी आ गए, तो ऐसे करके वहाँ पे हम 3 लोग गए थे। फर्स्ट मिस्टेक दैट आई डिड इज, इतना समझाते हैं, इतना टीवी पे दिखाते हैं कि कोई बिना इमरजेंसी के घर के बाहर नहीं निकलना, लेकिन बहुत दिन हो गए थे मिले हुए फ्रेंड से और घर में बहुत बोर भी हो रहा था, तो मैं चली गई। सेकंड मिस्टेक दैट आई डिड, हम सब लोग अपने घर से निकलने के बाद सबने अपने मुंह पे मास्क वगैरह लगाया था और फिर उसके घर जाने के बाद हमने मास्क निकाल दिया। दैट वॉज आवर सेकंड मिस्टेक। ऐसा लगा कि अभी तो घर में ही है, फिर क्यों मास्क पहने, इसीलिए फिर हमने मास्क नहीं पहना था घर में। थर्ड मिस्टेक इज दैट, सब लोग मिलने के बाद फिर हमारी बातें स्टार्ट हुई और फिर हमने बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा था। कौन करता है यार, किसी के घर जाने के बाद सब लोग क्या चार चार कोने में बैठे रहेंगे क्या, नहीं, इसीलिए हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया और बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया था। फिर हम सब मिलने के बाद जो मेरी फ्रेंड थी उसकी नेबर भी हमसे मिलने आ गई। अब हम हो गए 4 लोग मेरे फ्रेंड के घर में। अब आप सोचेंगे कि ये मिस्टेक थोड़ी ना है, किसी के घर में जाने के बाद हम मास्क थोड़ी ना पहनते हैं, हम अपने घर में भी थोड़ी ना मास्क पहनेंगे, अगर हम अपने चाचा चाची आंटी के घर जाएंगे तो मास्क थोड़ी ना पहनेंगे और किसी के घर जाने के बाद हम चार कोने में नहीं बैठेंगे। लेकिन फिर भी हम इसको एज अ मिस्टेक ही कंसिडर करेंगे क्योंकि कोरोना के काल में फिर मैं बाहर गई ही नहीं थी। तो गाइस ये सब हुआ, फिर हम अपने अपने घर में लौट गए। फिर एक दो दिन में एक फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो गई। उसी दिन एक्चुअली बहुत तेज़, दिन भर तो बहुत तेज़ धूप थी, फिर बाद में बहुत ज़्यादा बारिश भी आ गई थी। बाकी 3 को इंक्लूडिंग मी, हमें थोड़ा अनइजी फील हो रहा था। फिर हम लोगों ने डॉक्टर के पास जाके थोड़ी टैबलेट्स ले ली थी, हमें लगा कि वायरल हो सकता है। लेकिन जो फर्स्ट फ्रेंड थी उसकी तबीयत और बिगड़ी और फिर उसका उनके फैमिली में भी इफ़ेक्ट हुआ और फिर उन दोनों ने भी टेस्ट करवाई और फिर वो पॉजिटिव आई। यस गाइस, दे आर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19। ओ माय गॉड, दैट वाज रियली जस्ट अ शॉक फॉर अस। अभी तक हमारे जान पहचान में किसी को भी COVID-19 नहीं हुआ था, लेकिन दैट वाज शॉकिंग। फिर दोनों एडमिट हुए हॉस्पिटल में, फिर उनको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिली वहाँ पे एंड दे आर एब्सोल्युटली हेल्दी एंड फाइन नाउ। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तीनों का क्या हुआ। थोड़ा कोरोना के टेस्ट के बारे में अब हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस। जैसे कि हमारी एक फ्रेंड पॉजिटिव आ गई टेस्टिंग में, फिर हम तीनों को भी बोला गया था कि आप भी टेस्ट करवा लो। फिर मेरी जो टेस्ट हुई वो बिल्कुल भी नॉर्मल टेस्ट थी, जो एक प्लास्टिक की सिरिंज टाइप रहता है वो अपने नाक में ऐसे करके डालते हैं, बहुत ऐसे कैसा तो भी होता है गाइज, यहाँ पे एकदम आँखों में पानी आने लगता है थोड़े दिन बाद, बहुत कुछ सेकंड का काम होता है गाइज, बिल्कुल भी घबराने की बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं रहती है इसमें। लेकिन सिर्फ थोड़ा वो कुछ नाक में डालने के बाद ऐसा एकदम झनझनाहट टाइप ऐसा कुछ होता है और थोड़ा आँखों में पानी आ जाता है, दैट्स इट, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो जो प्लास्टिक की सीरिंज रहती है वो अंदर डालने के बाद हमारा सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद हमें 15-20 मिनट्स वेट करना पड़ता है और उसके बाद हमारी रिपोर्ट आती है। ये वाली रिपोर्ट गाइस बिल्कुल भी इंस्टेंट रहती है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता जो हम नाक से टेस्टिंग करवाते हैं उसमें। और दो टाइप्स की टेस्ट रहती है, एक तो नाक से लेती है और दूसरे स्वैब टेस्टिंग रहती है। जब हमारी नाक की जो रिपोर्ट है वो अगर पॉजिटिव आ जाए
या फिर हमें और कुछ डाउट हो तो फिर वो स्वैप टेस्टिंग भी लेते हैं। जब वो सीरीज अंदर डालते हैं अपने नाक के अंदर, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है गाइस, थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर हम थोड़ा पैनिक कर जाएंगे, थोड़ा सिर वेर इधर उधर खिला लेंगे, तो वो सीरीज इधर उधर भी अपने को लग सकती है, फिर और ज़्यादा हमें पेन होगा। तो थोड़ा पेशेंटली हमें जो वर्कर्स रहते हैं, हेल्थ वर्कर्स रहते हैं, उनके साथ थोड़ा कोऑपरेशन करना चाहिए। जैसे हमें एकदम से छींक आ जाती है, तो छींक आने के बाद कैसे हमारे आँखों में पानी आता है, बस उतना ही रहता है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद वो जो रिपोर्ट आने को बोले थे कि 15 से 20 मिनट लगेंगे, वो जो टाइम था ना गाइस, वो इतना डेंजरस था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। जैसे हमारी एग्ज़ाम रहती है और एग्ज़ाम के बाद जैसे रिज़ल्ट लगता है, हम बहुत वेट करते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, हमें कितने परसेंटेज मिलेंगे, हम पास होंगे या फेल होंगे, बस सेम सेम उससे भी ज़्यादा बोल सकते हैं, ऐसी फीलिंग थी जैसे कि कोई रिपोर्ट ही आने वाली थी मेरी एग्ज़ाम की। बहुत बहुत गंदी वाली फीलिंग थी गाइस, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था गाइज। और फाइनली रिपोर्ट आ गई एंड आई एम नॉट कोरोना पॉजिटिव, मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूँ। ओ माई गॉड, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा था। फिर हमने रेगुलर हॉट वाटर काढ़ा और रात को सोने के टाइम हल्दी वाला दूध सब सब पीना चालू कर दिया था कि कोई गुंजाइश ही ना रहे कि हमें कोरोना कभी हो सकता है, या फिर हो गया तो वो जल्दी ठीक हो जाए, इसीलिए हमने सब चालू कर दिया था। फिर हमारी टेस्ट निगेटिव थी, फिर भी हमने एज अ प्रिकॉशन के लिए हमने ये सब जो हमारा रेगुलर है फिर से चालू कर दिया था। इन सब चीज़ों में गाइस स्टीम वो बहुत इम्पॉर्टेंट एंड मेन फैक्टर होता है। स्टीम लेना वो एकदम गजब का ट्रीटमेंट है इसके ऊपर। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि इसके ये इलाज है, लेकिन एज अ प्रिकॉशन के लिए हम इसको फर्स्ट चॉइस दे सकते हैं। फिर बाद में समझ में आया कि कोरोना किसी को भी हो सकता है, चाहे आप घर पे रहो चाहे आप बाहर जाओ, लेकिन किसी को भी हो सकता है और वो इंसान अच्छे से ठीक भी हो सकता है। इसमें अब निगेटिव चीज़ भी है, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कुछ प्रिकॉशंस अगर हम लेंगे तो हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कह रही कि हमें कोरोना बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम उससे बच ज़रूर सकते हैं। अगर हुआ तो हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के हम उसको हरा भी सकते हैं। और प्रिकॉशंस लेना तो हमारा काम ही है ना, ज़रूरत ना हो तो बाहर नहीं निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क ज़रूर पहनना, अगर हम बाहर हो तो सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहना, और अगर हम घर में हो तो रेगुलरली हैंड वॉश करके रहना। इतना सब प्रिकॉशन लेके हम कोरोना से कुछ हद तक ज़रूर बच सकते हैं। और अगर कोरोना हुआ भी तो ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। पैनिक होने से हमारे बॉडी पे उसका और निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। शांत रह के ट्रीटमेंट लेने चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, माइंड को जितना ज़्यादा शांत रख सकते हैं उतना शांत रखना चाहिए, प्रॉपर फूड प्रोटीन्स वेजिटेबल्स प्रॉपर डाइट लेना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अगर हमारे कॉलोनी में सोसाइटी में किसी को भी कोरोना हुआ और अगर वो असिम्टोमेटिक हो या फिर सिम्टम्स भी हो, लेकिन वो अगर घर पे ठीक हो रहा है, उसके अगर घर पे ट्रीटमेंट चल रही है, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रख के। ना कि ये सोचते बैठते रहना है कि मुझे किसकी वजह से कोरोना हुआ, कौन होगा, मैं तो कहीं नहीं गई थी, लेकिन इसकी वजह से हुआ होगा या फिर उसकी वजह से हुआ होगा। नहीं गाइज, हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सेहत पर ध्यान देना है कि अब हम ठीक कैसे होंगे, मेरी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेंगी, मैं जल्दी से जल्दी रिकवर कैसे होंगी। बस हमें उतना फोकस करना है, क्योंकि कोरोना होने के बाद अब क्या कर सकते हैं, हो गया ना, हो जाने के बाद हमें ट्रीटमेंट लेके उतना कॉन्फिडेंट रहना है गाइस कि हम ट्रीटमेंट करके हम ठीक हो सकते हैं। एकदम टेंशन लेके हमारे बॉडी पे उसका निगेटिव इम्पैक्ट नहीं करना है। और जो लोग कोरोना होने के बाद ठीक हो गए हैं,
तो फिर उनका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। ऐसा नहीं गाइस कि उनके साथ कुछ अलग बिहेव करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कोरोना तो सबको होना है गाइस, किसी को भी हो सकता है। सिर्फ यही याद रखना, अगर आपको कोरोना हुआ और आपके साथ कोई ऐसा बिहेव कर रहा है तो आपको कैसे लगेगा। सो गाइस, सबके साथ मिलजुल के रहना है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग तो बना के तो रखना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, सब लोग घबराते हैं, किसी को कोरोना हुआ तो ऑब्वियसली डर तो रहता ही है। लेकिन फिर भी थोड़ी ह्यूमैनिटी दिखा के हम किसी के फीलिंग्स को हर्ट ना करके हम उसके साथ अच्छे से रह सकते हैं। जैसा बिहेव हम लोगों के साथ करेंगे वैसा ही बिहेव लोग हमारे साथ भी करेंगे, ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए गाइस। स्प्रेड हैप्पीनेस, यू विल गेट हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।